हाय, आई एम अभिषेक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबी एडुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 8, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा। टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। दो एंगल्स है जो ट्राइंगल का, वो आपस में इक्वल है, राइट। एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच वन ऑफ देम। जो थर्ड एंगल है ग्रेटर है ईच वन ऑफ देम। ये दोनों से छोड़कर ये थर्ड एंगल जो होगा ग्रेटर कितना है, 18 है, राइट। तो फाइंड द एंगल, तो उसमें एंगल आपको निकालना होगा। देखिए मैं इसे बताता हूं फिगर के अनुसार। तो देखिए आप बोल रहा है क्वेश्चन की एक ट्राइंगल है, राइट। एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल को नाम ले लेता हूं ए बी और सी, राइट। मीन्स कह रहा है कि टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। आर इक्वल मीन्स दो, एक ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल है। मान लो कि एक्स और ए भी एक्स है, ठीक है। एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच वन ऑफ ऑफ देम बाय 18। जो ये दोनों से ईच का लेकर था, ये दोनों से सिंगल, ये कितना है, एक्स प्लस 18 डिग्री है, राइट। एक्स प्लस 18 डिग्री है ये थर्ड एंगल। तो देख सकते हो आप, मैं क्वेश्चन के अनुसार चल रहा हूं सोल्यूशन में। तो हम लोग मान लेंगे लेट, मान लेते हैं लेट जो एंगल ए है इक्वल टू एंगल बी है, कितना, एक्स डिग्री, राइट। एंड कहेंगे एंड, और इसी में एंड कहेंगे एंड, देखिए यहां पर पढ़ रहा हूं, एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच वन ऑफ देम बाय 18 डिग्री। मीन्स कह रहा कि ये जो थर्ड एंगल है, ये थर्ड एंगल है, इसको छोड़कर मैं सिंगल, ये आपको x प्लस 18 डिग्री हो जा रहा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 18, ठीक है। तो लिखते हैं ये जो थर्ड एंगल हो जाएगा, एंगल जो c हो जाएगा कितना हो जाएगा, x प्लस 18 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABC में चलेंगे, ठीक है, ABC में चलेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट। तो हम देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। ये आखिर हुआ कैसे 180 डिग्री, तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। आप पढ़े होंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, तो यहां लिखेंगे द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मीन्स कहेंगे द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यस, एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही होता है, ठीक है। तो एंगल ए हमें क्या दिया हुआ, देखिए तो एंगल ए है जो इक्वल किसके है, बी का। तो एंगल जितना ए इक्वल है उतना तो बी भी इक्वल है, तो एंगल ए को हम क्या माने, एक्स माने, बी को भी सेम होगा एज इट इज। तो मैं एंगल ए के जगह पर क्या रख रहा हूं, एक्स डिग्री, और बी के जगह पर क्या रख रहा हूं, एक्स डिग्री, क्योंकि ये आपस में दोनों इक्वल है। और जो एंगल सी होगा, सी को क्या माना हूं, एक्स प्लस 18 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल से 18 बड़ा है, राइट। तो लिखेंगे एक्स प्लस 18 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब देखिए इसको मैं सोल्यूशन करके दिखाता हूं। देखिए एक्स 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 मीन्स 3x हो जाएगा, राइट, उसके बाद 18 हो जाएगा, इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए यहां पर चलेंगे 3x इक्वल 180 माइनस 18, राइट। अब देखिए यहां पर जो आएगा इस तरह से 3x इक्वल, यहां पर देखिए तो क्या आएगा, यहां पर आपको आएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, राइट। यहां पर क्या बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, तो यह आ जाएगा इतना, ठीक है। अब x इक्वल मैं करता हूं तो x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल 162 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 15, ठीक है, और 3 4 जा 12, राइट। 3 5 जा 15 और इसमें तो एक चला गया, 3 4 जा 12, तो आपको x इक्वल जो प्राप्त हुआ, x इक्वल वो प्राप्त हुआ कितना हुआ, 54, राइट फ्रेंड, 54 डिग्री प्राप्त हुआ। नाउ अगेन निकालेंगे, अभी तो हमें ईच एंगल निकाला, मिस एंगल दिखाना ना, तो ये आपको 54 डिग्री हुआ। तो देखिए यहां पर जो, अब अगेन चलेंगे, अगेन एंगल जो हमें कितना प्राप्त हुआ, मिस कह सकते हैं
आपको ए प्राप्त हुआ एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल ए और बी इक्वल है कितना एक्स का, तो हम एक्स के जगह पर क्या रखना है 54 रख देंगे ना, तो लिखेंगे ऐसे जो एंगल ए होगा इक्वल एंगल बी, क्योंकि एक्स तो हमें निकल कर आया 54 राइट, तो ये 54 लिख देंगे, तो ये आपको एंगल जो ए हो जाएगा बी का इक्वल हो जाएगा, तो कितना 54 राइट फ्रेंड, समझ में आ रहा होगा यो। और देखेंगे यहां पर जो एंगल सी हो जाएगा, जो एंगल सी क्या माने थे एक्स प्लस 18 माने थे राइट, तो जो एंगल सी आएगा तो एंगल सी के लिए क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर मीन्स एक्स के जगह पर क्या रखेंगे 54, क्योंकि हम 54 तो निकाल कर लाए थे और हो जाएगा ए, तो देखिए यहां पर जो एंगल बनेगा सी, तो एंगल सी क्या बनेगा 8 और 4 कितना होता है मीन्स कह सकते हैं 12 और 5 16 और 17 बैलेंस था तो 72 डिग्री, तो हेंस करेंगे हेंस लिखेंगे हेंस एंगल ए हो जाएगा वो आपको 54 डिग्री हो जाएगा राइट, एंगल जो बी हो जाएगा ए भी 54 डिग्री हो जाएगा राइट, लेकिन एंड कह रहा एंगल जो सी हो जाएगा वो हो जाएगा 72, ये होगा आपका आंसर। हे गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट, थैंक यू।